हो रहे हादसों के विरोध में धारियाखेड़ी फंटे पर डिवाइडर खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ जिला पंचायत सदस्य ने किया प्रदर्शन। मंदसौर जिले के धारियाखेड़ी फंटे पर लगातार आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया से चर्चा करते हुए जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान ने सोमवार को 11:58 पर बताया कि 10 सालों में इन क्षेत्रों में 40 लोगों की मौत हुई है और आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते जाते हैं, और क्योंकि लोगों को यहाँ पर रॉन्ग साइड चलना पड़ता है। इसी के साथ मंदसौर का जो आरटीओ कार्यालय बना हुआ है वह भी रॉन्ग साइड बना हुआ है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी दूर तक रॉन्ग साइड आना पड़ता है, जिससे कई बार घटनाएं हो चुकी है, पर इस तरह कोई जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर, इसी के विरोध में आज ग्रामीणों के साथ मिलकर धारियाखेड़ी फंटे पर हाईवे किनारे बैठकर प्रदर्शन किया, और मौके पर भी वाईडी नगर थाना प्रभारी, तहसीलदार और टोल कंपनी के कर्मचारी अधिकारी भी पहुंचे हैं और बताया कि मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और बताया कि ऐसा लगता है कि मंदसौर का प्रशासन और जनप्रतिनिधि बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। मंदसौर जिले की जनता आरटीओ कार्यालय पर भी अपना काम कराने के लिए आती है, पर उनको रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, और धारियाखेड़ी फंटे के आसपास क्षेत्र में लगभग 30,000 लोग रहते हैं और रोजाना उन लोगों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, जिस कारण से सड़क हादसे हो जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो डिवाइडर बने हुए हैं उनको खोलना चाहिए, यह मांग की गई है। प्रदर्शन धरना दिया जा रहा है, क्या मांग है? देखिए साहब, हम लोग इस समय धारियाखेड़ी फंटे पर खड़े हैं। यहाँ पीछे की तरफ लगभग 15 से 20 गांव लगते हैं, धारियाखेड़ी, गुरेडीदा, गोगरपुरा, गांगाखेड़ी, डुंगलाउदा, बालागुड़ा, रलायता, ऐसे करके पीलू तक का रास्ता, राजस्थान तक जाने का रास्ता यहाँ से लोग उपयोग करते हैं। लगभग 30,000 की लगभग की आबादी यहाँ पीछे रहती है। इस फंटे पर जहाँ हम खड़े हैं, जिसको लेकर के डिवाइडर खोलने की बात हो रही है, यहाँ से 1 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाकर के पूरा आबादी वाला क्षेत्र विपरीत दिशा में जाता है और फिर गुरेडे बालाजी फंटे पर जाकर के उस सड़क को मिलता है। हमारी मांग ये है कि सामने वाला डिवाइडर खोला जाए। बीते पुलिस प्रशासन ने भी अभी जानकारी दी, बीते 10 सालों में 40 मौतें के लगभग हो चुकी है, जिसमें बीते 5 सालों में 16 मौतें हुई हैं। ये पास में एक मेरे व्यक्ति बैठे हैं, इनका भतीजा, 10 साल का भतीजा, जो इकलौता चिराग था घर का, उसकी भी मृत्यु यही हुई। हम लोगों ने जब आह्वान किया इस आंदोलन का 10 दिन पहले, उस दौरान फिर से एक मौत हो गई। ये डेंजर जोन बन चुका है। इसी तरह आरटीओ वाले की व्यवस्था, पूरा मंदसौर जहाँ 2.5-3 लाख की आबादी आरटीओ की है, इस पूरे मंदसौर की आबादी, क्योंकि हर व्यक्ति को काम पड़ रहा है लाइसेंस का, हर व्यक्ति को काम पड़ रहा है गाड़ी के कागजात का, सबको विपरीत दिशा में पूरा मंदसौर जानता है, पूरा मंदसौर विपरीत दिशा में 1.5 किलोमीटर आ रहा है। ये भी एक डेंजर जोन है, जबकि 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर कलेक्टर कार्यालय है, 1 किलोमीटर के आसपास विधायक जी का घर भी है, पर किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी के कानों पे जून तक नहीं रेंग रही। वो इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी दुर्घटना का, आरटीओ के सामने वाला डिवाइडर भी खोला जाए और ये धारियाखेड़ी फंटा, जिसके हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर धरने देने के लिए, आप पीछे सबसे बात करेंगे आपको लगेगा कि विभिन्न गाँव से लोग आए हुए हैं। हमारा आंदोलन का उद्देश्य यही है, पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा है, टोल की कंपनी के लोग खड़े हैं, सड़क कंपनी के लोग खड़े हैं, तहसीलदार साहब खड़े हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि ये डिवाइडर खोला जाए, नहीं तो आने वाले समय में जितनी भी मृत्यु यहाँ पर होगी उसकी जिम्मेदार ये टोल कंपनी, सड़क कंपनी और प्रशासन होगा। ये दो स्थानों पर इनके द्वारा डिवाइडर खोलने की मांग की गई, जिसमें एक आरटीओ के कार्यालय के पास और गुराड़िया फंटे पर, क्योंकि इनको 600 मीटर यू टर्न लेकर के यहाँ आना पड़ता है और एक्सीडेंट की संभावना है, इसको लेकर के गुड़बेली, धारियाखेड़ी, गुराड़िया, देदा, इन ग्रामवासियों को यहाँ समस्या है, इसको लेकर के इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। तो विधिवत MPRDC को हम लोग इस ज्ञापन को फॉरवर्ड करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, और उस माध्यम से जो रोड सेफ्टी कंसल्टेंट है जो निर्णय लेंगे उस अनुसार यहाँ कार्रवाई की जाएगी। आज दीपक सिंह जी चौहान के नेतृत्व में यहाँ के क्षेत्रवासियों के हित की लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है। अभी हम वर्तमान में गुराड़िया देदा के फंटे पर और धारियाखेड़ी के फंटे पर हम लोग बैठे हैं, और जहां हम ये निरंतर सुबह से हम धरने पर बैठे हैं तब से हम देख रहे हैं कि निरंतर लोग इस गांव से आकर के और विपरीत दिशा में शहर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जान को खतरा है, और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पर रास्ता खोला जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा भी हो और जान मान की हानि ना हो सके। इसी प्रकार आरटीओ जो इन्होंने प्रशासन ने नया आरटीओ बनाया बाईपास पर, वहाँ पर भी शहर के लोग जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अन्य किसी भी काम से आते हैं
तो उन्हें भी कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर रॉन्ग साइड में आना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बहुत है, तेल भी अपनी जगह बहुत महंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से भी परेशान है, और उस पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड में जाना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं इतनी घटनाएं होने लग गई है शहर के अंदर इस रोड पर, इस बाईपास पे, आरटीओ के आसपास, कि कई परिवारों के आशियाने उजड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भाई प्रशासन को अगर कहीं पर भी रोड खोलना है और अगर क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलता है, तो प्रशासन को मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होनी चाहिए। नर्सिंग कॉलेज के बच्चे आते हैं इसके लिए? नर्सिंग कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, उसके बावजूद 30 से 40 हज़ार लोगों का प्रतिदिन का आवागमन इस रास्ते से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदसौर शहर के लोगों का भी यहाँ पर आना जाना हो गया है, जिनकी खेती किसानी के काम में, किसी की फैक्ट्री है, किसी की इंडस्ट्री है, किसी की वेयर हाउस है, इसी रोड के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारा ये मांग है कि हम इतने रॉन्ग साइड जाने की बजाय हमें सीधे रास्ते पर जाना चाहिए, और हम ये मांग कर रहे हैं कि दोनों जगह डिवाइडर अगर बना दे तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को कहीं ना कहीं अच्छा लाभ मिलेगा, और जान की जो भी उन लोगों को दुर्घटना हो रही है उससे भी उन लोगों को बचाया जा सके। लॉन्ग साइड जाने से भी कितनी मृत्यु दर हो गई है? देखिए अभी सरकारी आंकड़े जो अभी यहाँ पर चर्चा हुई, तो लगभग हजारों की संख्या में एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, कईयों की जाने जा चुकी है, कई के परिवार उजड़ चुके हैं। 40 से 50 मौतें अभी आज की तारीख में यहाँ पर हो चुकी है। बहुत सी मौतें तो ऐसी भी होती है जो रिकॉर्ड में नहीं भी आ पाती है, तो उन्हों की हम कोई आज गिनती नहीं लगा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज क्षेत्रवासी हमारे साथ इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि ये जो भी मांग हमारी है ये जायज़ मांग है, इसमें नाजायज़ कुछ भी नहीं है। और हम प्रशासन से मांग भी करते हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पर डिवाइडर को खोला जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।